ओके आशी उपाध्याय, पॉलीएटॉमिक यस सर। आयन डिफाइन करो। सर पॉली एटॉमिक आयंस आर दोज आयंस दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। ओके आयुष वर्मा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते बेटा? सर डायटॉमिक मॉलिक्यूल सर वो होते हैं जिनके पास में दो एटम्स होते हैं। एग्जांपल दो। सर आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ओके और यश राघव, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे मुझे। सर P4। ट्रायटॉमिक है वो तो टेट्राटॉमिक के ढक्कन। ट्राय मतलब तीन, दैट इज ओजोन। सर ओजोन। हाँ हर्ष रॉय, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो बेटा। यही तो कह रहा हूं मैं, कल आपको जो मैंने बताया था उसमें किसी भी बच्चे ने ढंग से वीडियो नहीं देखी दोबारा। S8 है, एग्जाम आ रहे हैं सिर पे, इसलिए आई थिंक आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आप ढीले ढाले बैठे हो तो फिर दैट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर यू। सो लुक एट योर स्क्रीन नाउ, कल हमने ये सारी चीजें की थी, यू हैव डन दिस। अब मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, जैसे ध्यान से देखिए केमिकल फॉर्मूले जो है वो कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूले, तो आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो कि इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। कि कोई भी कंपाउंड जो है उसको हमेशा हम उसके मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के उस सिंबॉलिक फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, H2। ये उसका केमिकल कंपोजिशन में कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है। आपने CO2 का लिखा तो CO2 में वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन आर यू नो कंबाइनिंग टूगेदर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज वॉट वी कॉल्ड केमिकल फॉर्मूले। अब केमिकल फॉर्मूले की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस, कि जो भी वैलेंसी है और जो भी चार्जेस है वो बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे वो अनस्टेबल होंगे। तो दैट मीन्स अगर कोई एक दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, लाइक मान लो NaCl ही एग्जांपल ले ले, वो कंबाइन कर रहे हैं, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे ये दोनों की वैलेंसी और दोनों के जो चार्जेस है वो पूरी तरीके से वैलेंस है, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। सेकेंड बात है कि वेन द कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो सिंबल ऑफ मेटल है वो हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं जिसमें एक मेटल पार्ट है दूसरा नॉन मेटल पार्ट है, तो जब आप उसका केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो हमेशा मेटल का सिंबल फर्स्ट आता है और नॉन मेटल का सेकेंड पॉइंट पे आता है। तीसरी बात आपको जो समझनी हुई है कि वेन द पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड द आयंस आर इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ शो द रेशो, यानी कि जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयन की बात करते हैं तो उनको पॉलीएटॉमिक आयन को जब हम बैलेंस करते हैं तो क्रिस क्रॉस प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी उसमें उस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को हम एक ब्रैकेट में रखते हैं और फिर होल पावर ठीक है हम देते हैं। जैसे यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस इसको ऐसे रीड करेंगे, इसको NH4 होल ट्वाइस SO4 के नाम से पढ़ेंगे, तो जो पूरे का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन होता है, ग्रुप ऑफ आयंस होता है, वो एक साथ ब्रैकेट में लेके फिर उसके ऊपर वैलेंसी को शिफ्ट किया जाता है। तो ये तीन बातें आपको केमिकल फॉर्मूले लिखते हुए बनाते हुए डिराइव करते हुए दिमाग में रखनी होगी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। एग्जांपल के लिए अगर हमें कहा गया कि आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेट करना है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो एटोमिसिटी है वो 2 है, सबसे पहले आपने उसको लिखा, फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमें लिखना है, दैट इज 1, और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एटम है वो 1 है, तो 1 लिखेंगे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर मल्टीप्लाई में इसका जो मास है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का वो लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1 प्लस में 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16, तो 2 × 2 प्लस में 16 × 16 + 2 = 18 यूनिट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का। अब बात करते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है, तो आपको एक तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखनी है, और दूसरा इनका कैलकुलेशन का तरीका, क्योंकि ये कम से कम 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन इनमें से जरूर आएंगे एग्जाम में, डेफिनेटली ये श्योर शॉट है। एनीवे, अब इफ यू हैव टू आंसर दैट व्हाट इज फॉर्मूला मास, देन योर आंसर इज दैट इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस एंड एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड। नाम में मत जाइएगा फॉर्मूला मास यूनिट में, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमने वही बोला जो ऊपर बोला, ऊपर भी सम ऑफ एटॉमिक मासेस था, यहाँ पे भी सम ऑफ एटॉमिक मासेस है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो हम मॉलिक्यूलर मास करते हैं वहां पे जनरली हमारे दोनों ही जो एटम होते हैं कंपाउंड के उन पे कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो कंपाउंड जिसमें एक पार्ट मेटल एक पार्ट नॉन मेटल है, उनके मास को कैलकुलेट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। एंड दिस इज NaCl है हमारे पास, एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो आपको इसका फॉर्मूला मास यूनिट कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल वही तरीका है जैसे मॉलिक्यूलर का है, ठीक है, जितने एटम है वो मल्टीप्लाई में जो 1 एटम का मास है वो प्लस में क्लोरीन के जितने एटम है और क्लोरीन के 1 एटम का जो मास है, तो 23 × 1 प्लस में 35.5 × 1 एंड इट इज 58.5, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वन, क्लियर हो रहा है। उसके बाद है रूल फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले, जब भी आप केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं तो उनके लिए क्या क्या रूल है, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आता है एग्जाम में कि राइट द रूल्स फॉर यू नो केमिकल फॉर्मूले, टू राइट द केमिकल फॉर्मूले, तो आपको ये पॉइंट एज इट इज तैयार करने, फर्स्ट यू नो वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, विच फॉर्म द कंपाउंड, सबसे पहले हम उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं जिससे हमें केमिकल रिएक्शन करनी है, तो सपोज करो मुझे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, यहाँ पे नीचे देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड सपोज कर मुझे बनाना है दिस वन, तो यहाँ पे सबसे मैंने इसका क्या लिखा, जो ऊपर इन्होंने बोला कि सबसे पहले मैंने सिंबल लिख दिया, तो हाइड्रोजन और सल्फर का यहाँ पे एक सिंबल लिख दिया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे, बिफोर यू नो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, अब जो भी सिंबल हमने लिखा है इनकी हमें वैलेंसी लिखनी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 ऑलराइट, और सल्फर की होती है 2, हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में ये क्या बोल रहे, नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो अब हम इनको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस का मतलब है ये जो सल्फर की वैलेंसी है वो क्रॉस होके किसको मिलने वाली है, इधर हाइड्रोजन को, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी वो किसके साथ क्रॉस होगी, सल्फर के साथ, ऐसे करके, और ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो हाइड्रोजन था वहां पे 2 आ गई और 2 आने की वजह से हो जाएगा H2 और सल्फर को 1 मिली तो S1 ये बन जाएगा, और जब हम इसको सही से लिखेंगे तो 1 लिखने की जरूरत हमें होती नहीं क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड होता है, तो ये H2S आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, फिर सुनिए ध्यान से, सिंबल लिखना होता है, फिर वैलेंसी लिखनी होती है, फिर क्रिस क्रॉस करना है, और फिर उनको ठीक है सही से फाइनलाइज करके यू हैव टू कंप्लीट दिस वन। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इन पॉइंट पे आए तो क्रिस क्रॉस मैंने बता दिया, चौथे पॉइंट पे बता रहे कि विद द फर्स्ट एटम ठीक है राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकंड, तो पहले के साथ मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ सेकंड एलिमेंट की वैलेंसी लिया क्रॉस करके, ठीक है, और उसके बाद जो विद द सेकंड एटम है, सेकंड एटम के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम वैलेंसी लिखते हैं फर्स्ट एटम की, तो सेकंड एटम हमारे पास सल्फर का था, इसके लिए कौन सी वैलेंसी गई, हाइड्रोजन की, और इस तरीके से इसी को क्रिस क्रॉस कहा जाता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपको, रूल नंबर 2 में आपको बताया जाता है कि When the valency is 1, subscript is not written. तो जब valency 1 हो, जैसे अब valency यहाँ पे हमारे पास क्या थी, यहाँ पे valency जो थी वो 1 थी, look at here, ये वाली valency यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे वो valency मैंने 1 लिखी, लेकिन बाद में जब मैं इस formula को सही से लिख रहा हूँ तो देखो S के साथ 1 लिखने की requirement मुझे नहीं है, साथ साथ में highlight भी कर रहा हूँ green color से ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बता रहा हूँ। Rule number 3 क्या है कि जब भी when the you know when there are multiple number of polyatomic ion, जब हमारे पास polyatomic ion होते हैं तो उस time पे जो bracket है वो हमेशा separate करनी होती है। इसका एक example polyatomic ion का लेके चलते हैं, अगर नीचे कहीं मिलता है हमें, देखिए if it is, yes, ये रहा,
ये देखा बेटा एग्जांपल, यहाँ पे हम बना रहे सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखे, सिंबल लिखे, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है, सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। फिर क्या किया, जो रूल कहता है क्रिस क्रॉस किया, तो क्रिस क्रॉस किया मतलब पहले एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे को दी और दूसरे की पहले को दी, तो ये बन गया Na। अब यहाँ पे जब हम वैलेंसी लिखते हैं तो साइन के लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं इस फॉर्मूले, तो Na1 हो जाएगा और NO3 का पावर की होल पावर भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान लो ठीक है यहाँ पे ये कुछ और नंबर होता तो ये NO3 को मुझे ब्रैकेट में लिख के फिर उसके साथ वैलेंसी को मेंशन करना होता था। तो ये टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी है सभी बच्चों को, ये क्रिस क्रॉस के फॉर्मूले जो सारे के सारे पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का फॉर्मूला बता रखा है, डेरिवेशन बोलते हैं इनको, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, तो कार्बन और क्लोरीन का सिंबल लिख के उनकी वैलेंसी और क्रिस क्रॉस किया, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मैग्नीशियम और क्लोरीन की वैलेंसी लिखी उनका क्रिस क्रॉस, ठीक है। देन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए एल्युमिनियम ऑक्सिन का सिंबल और फिर उनकी वैलेंसी एंड देन क्रिस क्रॉस, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी वही कैल्शियम और ऑक्सिन का सिंबल फिर उनकी वैलेंसी एंड देन क्रिस क्रॉस। अब देखो यहाँ पे इसमें एक खास बात है, यहाँ पे इसकी भी वैलेंसी 2 है बेटा, इसकी भी 2 है, तो यहाँ पे Ca2O2 आएगा और जब दोनों में कुछ कॉमन निकलता है तो हटा देते हैं और आपके पास फाइनल फॉर्मूला CaO हो जाता है। तो इस तरीके से इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। आगे देखिए आयंस क्या होते हैं, तो आयंस की डेफिनेशन भी सबको आनी चाहिए। यू नो एन आयन में भी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या सिंपल टर्म में आप कह सकते हो यू नो पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवर देम आर नोन एज आयंस। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उनको हम आयन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज आयन के कुछ एग्जाम्पल की बात करें उनमें सारे जनरली आपको मेटल देने के सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है और एल्युमिनियम आयन है। और नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करें तो ये सारे नॉन मेटल मिलेंगे, जैसे क्लोरीन है Cl- होता है, सल्फाइड आयन होता है H2- होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH- होता है, सल्फेट के लिए SO42- होता है, तो ये भी क्लियर होने चाहिए। अब आयन की दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं आपके पास जो है मोनो एटोमिक आयन्स और दूसरे होते हैं आपके पॉली एटोमिक आयन। तो मोनो एटोमिक आयन का मतलब होता है ठीक है जिसके ऊपर आयन क्या हो पॉजिटिव साइन सिंगल हो उनको हम मोनो एटोमिक आयन बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ है तो एक ही एटम के ऊपर साइन है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे मोनो एटोमिक आयन बोलेंगे। और यहाँ पे NH4+ आयन तो यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, तो इसको अमोनियम आयन ये पॉली हो गया। पॉली का मतलब दो डिफरेंट एटम से बना हुआ है और जो एक ही एटम के बना होता है ठीक है उनको मोनो एटोमिक आयन बोलते हैं। अब सोडियम ये भी सिंबल एक ही एटम का आयन है, क्लोरीन भी एक ही एटम का आयन है, एल्युमिनियम भी एक ही एटम का आयन है, बिकॉज अपने आप में ये सिंगल एलिमेंट है। और यहाँ पे देखोगे तो कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है ठीक है, सल्फर के अंदर हम सल्फर और ऑक्सीजन के एटम ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के अंदर OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इनको बोलते हैं पॉली एटोमिक आयन। ओके उसके बाद आगे आता है केमिकल फॉर्मूले, अगर आप आयनिक कंपाउंड के बनाना चाहते हो तो जैसे सोडियम कार्बोनेट का आपको दे दिया एग्जाम में कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द सोडियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले आप सोडियम का सिंबल लिखोगे, फिर कार्बोनेट का सिंबल लिखोगे, फिर इन दोनों की वैलेंसी को मेंशन करोगे और क्रिस क्रॉस करके सोडियम पे जाएगी कार्बोनेट की वैलेंसी ये वाली ऐसे ठीक है, और कार्बोनेट पे आ जाएगी ठीक है सोडियम की वैलेंसी, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको आ गया कि एल्युमिनियम सल्फेट आपको बनाना है तो एल्युमिनियम सल्फेट में आपको एल्युमिनियम और ठीक है सल्फेट लेना है, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, सल्फेट का SO4 होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3+, सल्फेट की 2-, आप इनको क्रिस क्रॉस कीजिए, देखो एल्युमिनियम पे गया ये 2, ये शिफ्ट हुआ ऐसे तो ये हो गया Al2, सल्फेट पे गया आपका 3, तो पहले तो ये पूरे का पूरा पॉलीएटोमिक आयन है, तो पहले इसमें ब्रैकेट लगेगी और फिर जो ये है SO4 लिख के फिर ब्रैकेट और फिर बाहर ये 3 जो है सबके कंबाइंड में यहाँ पे अलग से लिखी जाएगी ऐसे ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, ये कौन है भाई, कौन है ये, म्यूट सुमित कुमार तेरे घर में अगर न्यूज चल रही है तो तू पढ़ाई कैसे करेगा? हाँ सर वो पूछ रहा था सर, ये ऊपर वाला छोड़, पहले ऐसी जगह बैठ जहाँ पे तुझे सुनाई दे, पीछे न्यूज चल रही है बेटा, तो यहाँ पे कहाँ से क्या सुन पाएगा, तो क्या समझ में आएगा तेरे। चलो ये इस तरीके से आपको ये सारे आयंस बनाने, अब ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने स्कूल में भी तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस में बता रखी। अब यहाँ पे मोलर मास है, मोलर मास कैसे क्या होता है, तो ये मोलर मास की डेफिनेशन है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस का मतलब होता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस ठीक है किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 6.02 × 10^23, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर।
और ये कुछ एलिमेंटल एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। मूल कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ 6.022 × 10^23 पार्टिकल, चाहे वो एटम्स है, मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और वन मोल ऑफ एटम की वैल्यू भी आपके पास इतनी होती है बेटा, बस सामने एटम्स लग जाएंगे। अगर वन मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यही रहेगी क्योंकि एवोगाड्रोस कांस्टेंट और ये वैल्यू फिक्स होती है। अगर आप वन मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इतने ऑक्सीजन एटम काउंट हो गए, और इस नंबर को दैट इज 6.022 × 10^23, दिस इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर, और इसको हम कैपिटल एन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो अब वन मोल ऑफ एटम of an element has a mass equal to gram atomic mass of the element. कुछ important formula देख लो, number of moles निकालने के, इसके लिए आपको given mass upon molar mass, ये numerical के लिए आपको याद रखने सारे formula लिखवाए गए थे आपको, ये भी सब मैंने class में करवाया हुआ है, बस review करवा रहा हूँ कि इनको revise कर लेना बेटा, तीन तीन दो दो number के question आने तुम्हारे ही रहे। number of moles निकालने के formula, ये n निकालने का formula है आपके पास, ठीक है, ये रेशो निकालने का फॉर्मूला है, ये एम निकालने का फॉर्मूला है। इन सबको ये वीडियो आपके ग्रुप पे अपलोड होगी तो आप इसे ध्यान से दोबारा देखें, और ये सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज इन्हें नोट कर लें, रिवाइज करें, एग्जाम में ये सब चीजें आने वाली है। परसेंटेज निकालने के लिए अगर आता है, जैसे मान लो परसेंटेज निकालनी किसी भी एटम की कंपाउंड के अंदर, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, उस एलिमेंट का मास लिखते हैं, फिर अपॉन में जो है उसका कंपाउंड का मास लिखते हैं, और फिर 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात सबको सुनाई दे रही है?